आई पाकिस्तान को बताए। तो मुझे एक टीवी एंकर ने किसी ने मुझे पूछा मीडिया वाले ने तो उस पर आप क्या स्टेटमेंट देंगे, तो मैंने कहा पाकिस्तान किस लिए जाओगे आप, मोदी साहब ने हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं। देखिए मोदी साहब ने जो कत्लो गारत मार धाड़ लूट खसूट बर्बरियत नफरत इस मुल्क में पैदा की है वो इतनी परवान चढ़ गई है कि ये इसी को मोदी साहब ने पाकिस्तान बना दिया। तो मेरी आपसे ये गुजारिश ये रहेगी कि अभी हम इस मुल्क का और कोई बंटवारा नहीं चाहते, इस स्टेट को अभी तोड़ना नहीं चाहते हैं। अब मोदी साहब का उसकी पार्टी का उसकी कमजोर का यह मिशन है कि हम जम्मू को अलग करें, कश्मीर को अलग करें और लद्दाख को अलग करें। इसीलिए मोदी साहब के संतले से जमीन निकल चुकी है और असेंबली के इलेक्शन करवाने में उसको डर लग रहा है। मोदी साहब ने आपको यह कहा कि आपने मेरी एक बात मानी, मैं आपका बड़ा मशहूर हूं। मैंने आपको यह कहा था कि आपसे कश्मीर नहीं संभाली गई, आप कश्मीर को छोड़ दो, आपने मेरी बात मानी, आपने कश्मीर को छोड़ दिया। और आज मैं कहूंगा आपसे दिल्ली नहीं संभाली जाती, आज के बस की बात नहीं है, ये दिल्ली को भी छोड़ो और ये कहना इतिहास का जो पुलिस है जो भगवान राम का कृष्ण भगवान का रामनगर बालिया का पूर्ण का जो मलत है जो मौलाना आजाद का जो मलत है जो नारू का जो मलत है जो शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला का मलत है यहाँ मतसद नगरू और आदमी जो है इस मुल्क की बड़ी मर्ची लगती है और हिंदुस्तान का जो पेड मीडिया है उसको बड़ी मर्ची लगती है कि जावेद रामा ने ये कहा कि मोदी चैनल होता है उनका कसम क्या होता है दहशतगर्द क्या होता है। मैं कहूंगा दहशतगर्द इक्वल टू मोदी एंड मोदी इक्वल टू दहशतगर्द। ये दुनिया का सामना है, ये दुनिया का सामना है। मेरी बात सुन ले, अगर टेररिस्ट का कोई मतलब जानना चाहे तो उसका मतलब है मोदी, मोदी का मतलब जो है टेररिस्ट। और मैं मोदी साहब को और इस आरएसएस को और मोदी साहब की पार्टी को मैं उन्हीं की पार्टी के एक बड़े लीडर और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की बात कहूंगा कि जब गुजरात में कत्लेआम किया इंसानियत का, जब गुजरात में खून की नदियां खून का दरिया बहाया और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो विदेश से दूर बजा रहे थे, उनकी ये स्टेटमेंट है कि मोदी ने मेरा नाक कटवा दिया है, मोदी ने इस देश का नाक कटवा दिया है, मैं पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया हूँ, मेरा सर नीचे हो गया है, मुझे शर्म से मैं शर्म के मारे में बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं कैसे दुनिया को अपना मुंह दिखाऊंगा कि इस मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है अपनी स्टेट में। मैं ऐसा कार्यक्रम चलाऊंगा इस देश की लीडरशिप को और इस देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैं ये गुजारिश करूंगा कि देश की लीडरशिप आपस में सेकुलर रवायात को सेकुलर सिस्टम को बहाल करने के लिए हमें जम्मू में कांग्रेस